अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे मटन मसाला ग्रेवी। देखिए बिल्कुल आसान सी रेसिपी और बिल्कुल टेस्टी, ज़बरदस्त टेस्ट रहता है इसका। चलिए बनाना शुरू करेंगे। ये 500 ग्राम मटन ले ली मैं, इसको अच्छे से वॉश करके एक बॉल में निकाल लेंगे। अब इसमें चंद मसाले ऐड कर देना है। अब क्या करेंगे, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये एकदम फ्रेश है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। 1 टीस्पून नमक ऐड करी मैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दी। अब देखिए इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसमें दही ऐड कर देंगे। दही ऐड कर दी मैं इसमें, 200 ग्राम दही है ये। इसको सब मसालों को अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक आधे घंटे या 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। अब क्या करेंगे, अपन एक कुकर ले लेंगे। अब ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट कर ली मैं बिल्कुल बारीक से, और ऑयल ऑलरेडी ऐड कर दी थी इसमें, गर्म होने के लिए छोड़ दी थी कुकर में। 3 टेबल स्पून ऑयल है ये। गरम होने के बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दी, थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज हुए तक। देखिए बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज होना है, एकदम लाल होना नहीं है प्याज को, ब्राउन करना नहीं है। अब ये देखिए 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले ली मैं, इसमें ऐड कर दी प्याज में। प्याज का थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होने के बाद टमाटर ऐड कर देंगे अपन। थोड़ा सा टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाना है, फुल फ्लेम पर ही इसको दोनों को फ्राई कर लेंगे, प्याज और टमाटर को। अब इसमें अपन मटन में भी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करे थे, इसमें भी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, इससे टेस्टी बनता हमारा मटन। थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी मैं अदरक लहसुन को भी इसके साथ। अब देखिए आधी मुट्ठी जितना धनिया डाल दी मैं, फिर थोड़ा सा बाद में ऐड करूँगी। अब इसको फुल फ्लेम पर ही इस तरह से ही फ्राई कर लेंगे। देखिए एक अच्छी सी खुशबू आने लगी। अब फ्राई हो गया। अब होने के बाद देखिए जो है मटन में मैरिनेट करके रखे थे अपन, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरा। देखिए अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे। अभी पानी ऐड करना नहीं है, इसको फुल फ्लेम पर ही इस तरह से ही भूनते रहूँगी मैं, इस तरह से ही भून लेंगे। देखिए इस तरह से ही भूनना है, अभी पानी ऐड करना नहीं है, फुल फ्लेम पर ही भून ली मैं। अब देखिए आधी गिलास पानी ऐड कर देंगे इसमें। थोड़ा सा मटन सॉफ्ट है इसलिए मैं पानी थोड़ा कम ही ऐड करी, आधी गिलास से भी थोड़ा कम है पानी। अब लीड लगा देंगे, एक 3 सीटी के बाद देखेंगे। देखिए 3 सीटी के बाद एक बार चेक कर ली थी मैं बीच में। चलिए अब क्या करेंगे, इसको फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम ऑन करके अच्छे से भून लेंगे फुल फ्लेम पर ही। अब क्या करी मैं, एक बार फिर एक कवर कर दी थी ढक्कन से ही, खाली ऐसे ही लीड ने सीटी ने लगाई थी। अब क्या करेंगे अपन, ये जीरा पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अब ये धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अब ये बिल्कुल 2 चुटकी जितना गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। अब ये आधा नींबू का जूस ऐड कर देंगे इसमें। अगर 1 नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। अब ये थोड़ा सा आधा मुट्ठी जितना धनिया पाउडर धनिया है ये भी ऐड कर देंगे। देखिए अच्छे से भूनने में ही प्याज और टमाटर अच्छे से भुने गए, और मटन भी एक बार चेक करी में अच्छे से गल गया ये।
बिल्कुल सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। एक बार आप लोग चाहे रोटी होंदे चाहे राइस होंदे इससे भी आप लोग सर्व कर सकते। ये नॉर्मल सालन है, ये बिल्कुल इजी मेथड में बना सकते आप लोग कम टाइम में कम मसालों में। अगर कोई गेस्ट आए एकदम बिल्कुल जल्दी बनकर रेडी हो जाता है ये सालन। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग मटन मसाला ग्रेवी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।